हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रज्ञा और आज की वीडियो में मैं आपको लेके आई हूँ चोकरधानी रायपुर। तो यहाँ पे जो है राजस्थान के गांव में जैसा माहौल रहता है, हम उस एनवायरनमेंट को फील करने वाले हैं। तो अंदर जो है हम बहुत एंजॉय करने वाले हैं। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं कि यहाँ पे हमको क्या क्या एक्सप्लोर करने के लिए मिलेगा। तो चलते हैं हम अंदर और देखते हैं। तो यहाँ से लेनी है हमको एंट्री, जहाँ हम राजस्थानी गांव का मेला देखने वाले हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे एंट्री करेंगे ना, तो यहाँ पे आपका गाजे बाजे के साथ स्वागत होगा और आप उस बाजे में डांस भी कर सकते हैं कि जैसा आप देख रहे हैं वीडियो में। बहुत ही भव्य स्वागत होगा आपका और यहीं से ही आपका जो एक्साइटमेंट लेवल है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो चलते हैं हम अंदर। तो आप देखेंगे जगह जगह जो है इस तरीके के स्ट्रक्चर से मूर्ति वगैरह बने हुए हैं, काफ़ी सुंदर लाइटिंग, काफ़ी सारी सुंदर प्लांटेशन, काफ़ी सुंदर इंटीरियर, मतलब पैसा वसूल जगह है, परफेक्ट प्लेस है फैमिली आउटिंग के लिए। मतलब आप कहीं से भी नहीं बोलोगे कि हाँ मैंने जो पैसे खर्चा किए हैं वो मतलब वेस्ट हो गए करके। तो यहाँ ये है एक टिकट काउंटर जहाँ आपको पे करना है 799 रुपीज़ पर पर्सन और यहाँ की टाइमिंग है शाम को 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक। तो 20 एक्टिविटीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं जिसकी लिस्ट यहाँ पे दी गई हुई है। तो सबसे पहले है कच्ची घोड़ी का नाच, जो सबसे पहले आपने देखा। फिर है स्वागत तिलक, घूमर डांस, बायोस्कोप, जादूगर का कमाल, ज्योतिष, तोता ज्योतिष, कैमल राइड, बैलगाड़ी की सवारी, घोड़े की सवारी, ट्रेन की सवारी, काल बिलिया डांस, कठपुतली डांस, घूमर की कला, कुम्हार की कला, जादुई दर्पण, भूल भुलैया, सांप सीढ़ी, मेहंदी बोरला और गज़ल। ठीक है, उसके बाद जो है आप बहुत ही लजीज खाने का आनंद ले सकते हैं। तो खाने में देखिए, वेलकम ड्रिंक में नींबू पानी मिलेगा आपको, चौपाटी में पानी पूरी, मूंग दाल का चीला और हॉट जलेबी, और चौपाल जो थाली है उसमें काफ़ी सारी वेराइटीज़ रहेंगी। तो राजस्थानी जो थाली है वो आपको सर्व की जाएगी, उसमें काफ़ी सारी वेराइटीज़ होने वाली है, बटर मिल्क से लेके स्वीट डिश से लेके खिचड़ी तक आपको सर्व करने वाले हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें जो 799 में इंक्लूडेड है। और कुछ चीज़ें जो है जिसको आपको पे करना है, जैसे कि गेम जोन हो गया, टी का हो गया, पान का हो गया, आइस गोला वगैरह का हो गया, और कोल्ड ड्रिंक्स और बॉटल वाटर बॉटल वगैरह जो है वो आप MRP में ले सकते हैं। तो अब हम एंट्री कर चुके हैं इस छोटे से राजस्थानी गाँव में। तो देख सकते हैं आप कितनी सुंदर लाइटिंग यहाँ पर की गई है, कितना सुंदर डेकोरेशन यहाँ पर किया गया है। तो सबसे पहले होने जा रहा है यहाँ पे स्वागत तिलक। तो इस तरीके से आपका स्वागत किया जाएगा तिलक लगाकर। तो यहाँ पे सामने में आप देख सकते हैं कैमल राइट, और यहाँ पे है गोले की दुकान, जो आइस गोला है उसकी दुकान। तो यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स आप करवा सकते हैं, जैसे बर्थडे हो गया, मैरिज हो गया, इसके लिए आप उसको बुक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं घूमर डांस देखने के लिए। तो इस तरीके से घूमर डांस जो है आपको पेश किया जाएगा। डांस तो ये खूबसूरती से कर ही रही है, लेकिन जो पीछे जो बजा रहे हैं उनको भी आप नोटिस करिए, जो बजा रहे हैं उसमें एक इंस्ट्रूमेंट खाली भी है। सीधा बैलेंसिंग टेक्निक भी इतना, मतलब अपने सिर पे लेके इस तरीके से डांस करना तो देखते देखना बनता ही है। डांस देखते देखते अगर आपका मन कर रहा है कि आप भी यहाँ पे डांस करें, तो आप इस चीज़ को भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ ठुमके लगा सकते हैं इनके साथ में, कि जैसे कि आपको मैं दिखा रही हूँ, आगे हमने इनके साथ डांस किया है, बहुत एंजॉय किया है हमने यहाँ पे। हर जो मतलब सेंटर है जहाँ पे मतलब आपको इस तरीके की एक्टिविटीज़ करने मिलेगी, बहुत एंजॉय किया हमने यहाँ पे आके।
तो अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले तो हम यहाँ पे दर्शन कर लेते हैं गणपति महाराज का। तो यहाँ पे छोटा सा मंदिर बना हुआ है गणपति महाराज का। और चलते हैं हम आगे मज़ा लेने का वेलकम ड्रिंक का। तो वेलकम ड्रिंक में है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, नींबू पानी हमें सर्व किया जाएगा यहाँ पे। तो नींबू पानी भी जो है बहुत ही सुंदर कुल्हड़ के कप्स में यहाँ पे सर्व किया गया। अब हम आगे चलते हैं तोता ज्योतिष के पास में, जहाँ पे तोता जो है वो आपका कार्ड निकाल के देगा अगर आपको भविष्य जानना है तो। और ये पंडित जी से आप कंसल्ट कर सकते हैं। और अब हम आगे चलेंगे कुम्हार की कला देखने के लिए। तो अगर आप अपना हाथ आजमाना चाहते हैं मिट्टी का जो बर्तन बनाने के लिए, तो आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। जो आगे सामने भैया बैठे हुए हैं वो आपको ट्रेन करेंगे, मतलब वो आपको बताएंगे कि कैसे बनाना है। तो यहाँ पे ये जो भैया हैं वो दिया बना रहे हैं, आई थिंक वो दिया बना रहे हैं। तो सामने उनको गाइड किया जा रहा है और वो अपना हाथ रख के वो दिया को शेप में ला रहे हैं। तो आगे जो है ये टॉय ट्रेन है जिसमें आपको बैठ कर एंजॉय कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ में। और यही है यहाँ का गेम जोन, जहाँ पे आप नॉमिनल जो 30 रुपीज़ का कॉस्ट है उसे देखकर गेम का मज़ा ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो फेंक के निशाना लगाने वाला गेम है। और यहाँ पे आप बंदूक से निशाना लगा सकते हैं और डार्ट से निशान लगा सकते हैं। और ये है यहाँ पे बच्चों का प्ले एरिया, काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, देख सकते हैं आप बच्चे यहाँ पे। तो यहाँ पे से अगर आपको कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेना है या वाटर बॉटल लेना है तो आप यहाँ पर से परचेज कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम हाट बाज़ार की ओर। तो यहाँ पे जो ड्रेसेस रखे हुए हैं, आप 80 रुपीज़ का नॉमिनल कॉस्ट दे के ये ड्रेस जो है पहन सकते हैं। फ़ोटो सेल्फीज़ खिंचाना है तो खिंचवा सकते हैं, फिर इसे वापस रिटर्न कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ कितनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस रखी हुई हैं। और आगे जो है जूती और ज्वेलरी की शॉप है, यहाँ से भी आप ये सब ले सकते हैं और बहुत अच्छे से रेडी होकर यहाँ पे जो है फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा सकते हैं। तो आगे हम थोड़ा सा खाने का लुत्फ़ उठाते हैं। तो यहाँ पे मिल रही है हॉट जलेबी, गर्मा गर्म जलेबी, इतनी टेस्टी जलेबी थी ना, मतलब जिसका स्वाद बयां नहीं किया जा सकता। फिर आगे है गोलगप्पा, पानी पूरी, या फिर पानी पूरी, या फिर हम अपने छत्तीसगढ़ी भाषा में गुपचुप बोलते हैं इसे। तो यहाँ पे ये मिल रहा है, काफ़ी टेस्टी था ये भी। तो यहाँ आगे वाले काउंटर में मिल रहा है मूंग दाल का चीला, जो कि बहुत ही टेस्टी था। और उसकी जो स्टफिंग जो थी ना, उसका तो जवाब नहीं। और साथ ही में चटनी जो है वो भी बहुत ही फ्लेवरफुल थी। सारी चीज़ों का ध्यान रख के इस जगह को बनाया गया है। मैंने बहुत एंजॉय किया इस जगह पे। तो यहाँ पे मतलब टॉयलेट वगैरह भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके रखा गया है, जो कई जगह जो है मिसिंग रहता है ये चीज़। तो आगे चलते हैं हम लाफिंग मिरर का जो रूम है वहाँ जाकर। बहुत एंजॉय किया है यहाँ पर भी, मतलब आप अपने आप को देख के हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। तो चलते हैं हम अंदर। तो यहाँ पे जो है आपको अपना जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कभी मोटा दिखेगा, कभी पतला दिखेगा, आपका फेस कभी अलग दिखेगा। तो यहाँ पे मतलब आपकी हंसी जो है ना वो रुक नहीं पाएगी। तो अब हम आगे चलते हैं गज़ल का आनंद लेने के लिए। इनकी आवाज़ में तो ऐसा लग रहा था कि बस जादू सा है, बस बैठे रहे और इनके जो मतलब ये गा रहे हैं उनको सुनते रहे। और आप देख सकते हैं कितना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे सामने में जो दो भैया लोग बैठे हुए हैं। Oh,
अब आगे हम चलते हैं भूल भुलैया में। तो यहाँ पे जो है काफ़ी सारे रास्ते बनाए गए हैं, मतलब आप समझ नहीं पाएंगे, आपको मतलब एंट्री की थी आपने लेकिन अब कौन से रास्ते से जाना है आपको, मतलब आपका मतलब अब दिमाग मतलब घूम जाएगा आपको, मतलब किस किस रास्ते से जाए समझ में नहीं आ रहा था। ले देख के मतलब बाहर निकलने को आपको मिलेगा, इस रास्ते से जाएंगे फिर वापस मुड़ के उसी रास्ते पे आ जाएंगे, समझ नहीं आएगा कि आगे जा रहे हैं कि मतलब पीछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी मैंने काफ़ी एंजॉय किया। तो अब हम आगे चलेंगे कठपुतली डांस देखने के लिए। तो यहाँ पे भी मतलब मैंने बहुत एंजॉय किया ये कठपुतली डांस जो है, और यहाँ पे ये आपको अलग अलग गाने में अलग अलग मतलब कठपुतली जो है उनका डांस दिखाएंगे। ये यहाँ पे जैसे माधुरी दीक्षित को इन्होंने दर्शाने की कोशिश की है, और यहाँ पे ये ले आए हैं अनारकली को। तो नेक्स्ट जो परफॉर्मेंस है वो शिवली जी का जी, तो इसको मतलब देखिए बिना सिर के हैं और यहाँ पे आ गया इनका सिर। तो ये परफॉर्मेंस भी बहुत बहुत अच्छी लगी मुझे, इस तरीके की जो परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाया, अलग अलग कैरेक्टर बताया है कठपुतली के माध्यम से। तो यहाँ पे शानदार घोड़े की सवारी दिखाई है इन्होंने, और नेक्स्ट जो परफॉर्मेंस दिखाया इन्होंने अमरीश पुरी जी को दर्शाया है यहाँ पे नागिन को डांस कराते हुए। तो आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं यहाँ पे लोग कर रहे हैं बैलगाड़ी की सवारी, और देख सकते हैं आप कितना एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे एकदम ट्रेडिशनल गांव वाला माहौल है, और यहाँ पे है ज्योतिष जो कि इन बाबा जी का भविष्य बता रहे हैं। तो आप भी अगर यहाँ आए भविष्य जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं। तो ये है यहाँ पे एक स्टेज सजा हुआ है, अगर आपको कुछ फंक्शन वगैरह कराना है छोटा मोटा तो यहाँ पे आप करा सकते हैं। और यहाँ पे है बैलेंसिंग डांस, रोप में रस्सी में बैलेंस करते हुए, तो देख सकते हैं आप कितनी मतलब माहिरता है इस कला में। आप रस्सी में मतलब चल रहे हैं, कितने अच्छे से बैलेंस कर रहे हैं। आगे भी ये कई सारे करतब दिखाएंगे जिसमें ये मतलब बैठ के लेट के पूरा मतलब बैलेंस करके इन्होंने दिखाया है।
तो यहाँ पे देखिए बैलेंसिंग टेक्निक, गोल पहिया जैसा है, रिंग है जिसको जिस पे वो खड़े हैं और वहाँ पे वो बैलेंस कर रहे हैं रस्सी में अपने आप को। तो अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं बायोस्कोप। तो ये आप शायद अपने बचपन में मेले वगैरह में देखा होगा। तो इसके अंदर जो है इस तरीके के रंगीन जो पिक्चर्स हैं वो रोटेट करते रहते हैं और साथ में म्यूजिक भी बजते रहता है। तो अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं काल बिलिया जो डांस है उसको। तो देख सकते हैं आप बैलेंसिंग टेक्निक, देखिए यहाँ पे मटका है ऊपर और अभी आपने देखा होगा जो कील्स का जो एक बॉक्स टाइप का था उसमें ये डांस कर रही थी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं सांप सीढ़ी के गेम में। तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे जो है एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे सांप सीढ़ी का गेम खेल रहे हैं। तो नेक्स्ट जो है मेहंदी वाला सेक्शन है ये, जहाँ पे ये सिर्फ लेडीज़ के लिए है, जेंट्स के लिए अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे आप मेहंदी लगवा सकते हैं और हेयर स्टाइलिंग भी करवा सकते हैं। हेयर में वो बोरला बोलते हैं वो बना के देते हैं, तो वो मैंने नहीं कर पाया, यहाँ पे सिर्फ मेहंदी लगवाई मैंने। तो आगे आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया है, कितना अच्छा डेकोरेशन है। तो यहाँ पे अगर मैरिज फंक्शन वगैरह है तो यहाँ पे स्टेज सजा हुआ है, अगर आपको यहाँ पे मैरिज पार्टी वगैरह करवानी है उसके लिए। तो आगे चलते हैं हम लास्ट पड़ाव में, जहाँ पे हम भोजन करेंगे, राजस्थानी थाली का मज़ा लेंगे। तो यहाँ पे आपको जो टोकन दिया गया था जब आपने टिकट कटवाया है उसको आपको यहाँ पे सबमिट करना है और आप खाना खाने के लिए बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कितने भव्य तरीके से यहाँ पे जो ट्रेडिशनल तरीका होता है खाना खाने का, नीचे बैठकर वैसे खाना खिलाया जा रहा है। तो थाली जो है उसमें काफ़ी सारे जो आइटम्स है उसे सर्व किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं खिचड़ी है, पापड़ है, कढ़ी है, बाजरे की रोटी है, प्लेन रोटी है, जीरा राइस है, कचौड़ी है, दाल बाटी है, डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ चटनी है, स्वीट डिश जो है ना बचा था। तो ये था लजीज खाना। उसके बाद जो है मैं आपको ऊपर का पूरा व्यू दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ऊपर एक बना हुआ है जहाँ पे आप ऊपर चढ़ के फ़ोटोज़ वगैरह खिंचा जा सकते हैं और पूरा जो एरिया है उसको देख सकते हैं। तो देख सकते हैं आप कितना सुंदर व्यू है यहाँ पे का। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं होप करती हूँ मेरी वीडियो में आपने काफ़ी एंजॉय किया होगा। अगर आपने वीडियो एंजॉय किया, आपको वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नए वीडियोज़ डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।